हवा वाला ग्रामोफोन जमा नहीं बाद में उसको तो इधर चंदनी बंदा की बैठक चालू थी उसी बीच में वो आए बिलासपुर से मैं रिहर्सल करा रहा था मैं हर बिलासपुर ले आए हूँ ये मोर गीत ला के जीवन दान दे दे ऐसे बोले ऐसे बोला वो बोला कौन है आप उसने बताया कि मैं उठा पैर में छुआ जिस गीत को उसने बोला कि एक गीत मैं जब जवान था गांव की मंडई थी उस मंडई में एक लड़की और एक लड़का को देखा वो लड़की और लड़का की मुलाकात और कभी हो गई नहीं होगी ये मेरी कल्पना है कि हो गई होगी तो ये दोनों क्या कहना चाहते हैं लड़की क्या कहना चाहती है जी। तो ये लड़की अच्छा कठन हाँ, है जी, 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 जी। उसको मैंने इसमें लिखा है इसको ढंग से कहला दो उससे बोला ये लड़की क्या कहना चाहती है उसको ढंग से कहला दो जी। मैं कहलाता हूँ तो मजा नहीं आ रहा है आप अभी कम उम्र के हो शायद अच्छा ढंग से कहला दोगे तो आप कहला दो तो मैं उसको कहलाया तुला देखे रे होगा ये तुला देखे रे होगा धमनी के हाथ माँ बोए करिए तुला देखे रे होगा ये वो लड़की बोल रही है तो बहुत गदगद हो गया वो जी मतलब बिल्कुल ये तो वार्ता की शक्ल में बात हो रही थी ना गाना जो है वार्ता की शक्ल में आ गया ये गाना 133 ये भी उसी के लिखा हुआ है अच्छा वो कहीं पर देखा होगा एक किसान को उसकी स्थिति को उसने एक गाना लिखा धन धन रे मोर किसान मैं तो तोल जाने रे भैया मैं तो तोल जाने रे भैया वही वाला भैया के भगवान इस गीत की धुन बनाया मैं बहुत बढ़िया धुन बनी अच्छी कंपोजिंग हुई इसकी तो पांच गाना और आकाशवाणी में रिकॉर्ड करने के लिए फोन किया मैं तो बोले आ जाओ तो क्या नाम था उसका रिकॉर्डिस्ट था वो गया रिकॉर्ड कर दिया और बोल दिया कि इसको जल्दी से जल्दी प्रसारित कर देना बहुत बीमार चल रहे थे दीप जी उसका रविशंकर यूनिवर्सिटी में सम्मान था आखिरी आखिरी में जीवन के आखिरी में उसका सम्मान था उसको कार में सुलाया सुलाया लाए एम्बेसडर कार में यहाँ तो उसको उसने फोन किया भैया मैं तो तर गया ऐसा बोला वो क्या हो गया दादाजी वो क्या हो गया क्या नहीं हो गया मैं कुछ नहीं जानता अमुक तारीख को मैं
जरूरी है मिलना, ठीक है। मैं गया बस से, उतर गया वहीं पर गेट के पास, और कुछ साहित्यकार लोग, मेरे जान पहचान के लोग आगे आ रहे थे, उनको पूछा मैं, दीपक जी आ गए क्या? आए तो नहीं है, विमल पाठक गए लेने के लिए, वो आते ही होंगे। तो मैं वहीं पर खड़ा रहा, एक घंटा गेट पर खड़ा रहा, गाड़ी चली जा रही थी अंदर। दीपक जी ने मेरे को देखा, ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, जिसके लिए मैं आ रहा हूँ वो यहाँ पर खड़ा है, उसको बुला करके लाओ। मुझे बुला करके विमल पाठक ले गए, बहुत मुश्किल से उसको पकड़ करके गाड़ी से उतारे। उतारे तो वो दोनों हाथ से मुझको ऐसा लपेट लिया, मैं कुछ नहीं बोला। जब 5 मिनट हो गया तब बोला, छोड़ो दादाजी कब तक पकड़े रहोगे, यहाँ जो है उसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। मैं रिकॉर्डिंग सुना और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तय किया कि यहाँ मेरे पास जो है उसको उसके अंदर डाल दूंगा, मेरे को डालने दो, जब उसको विश्वास होगा कि आप डर गया करके मैं छोड़ दूंगा। और फिर 5-7 मिनट के बाद उसने छोड़ दिया। यहाँ जो भी सम्मान उमान हुआ होगा मैं नहीं जानता, मैं अंदर गया ही नहीं, मैं भावुक हो गया उसके पास सुन करके। फिर एक बस आ रही थी, उस बस में बैठ करके वापस आ गया। अच्छा। वो भावुकता को मैं संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ से वापस गया, मेरी तपस्या सफल हो गई साहब जी, मैं वहां से सम्मान पा करके आ गया। लेकिन संभाल कर रखना, जिसको मैं दिया हूँ आपको उसको संभाल करके रखना, यही मेरा अनुरोध है। और तो साहब जल्दी बाद मर गया, इसीलिए मेरा कार्यक्रम जब शुरू होता है जी, इस गीत को जी जरूर गवाता हूँ। अच्छा, एक प्रकार से उनके प्रति हाँ सम्मान प्रकट हो जाता है और मेरे मन में जी, दूसरे लोग सोचिए मत सोचिए, इससे कोई मतलब नहीं जी, जी, मेरे जी, मन में ऐसे होता है जी, जो चीज उन्होंने कहा है इस गीत को गवा करके उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। क्या बात है, तुलसी गीत को गाइए ना, जितना पद है। धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान, मैं तो तुल जाने हो भैया, मैं तो तुल जाने हो भैया, तीन हाथ के पटकू पहने मुड़मा बांधे फरिया हो राम, ठंड गरम चौमास कटिस तर काया पर गे करिया हो राम, कमाए बल सांझे मुझे मंजन सांझे और बिहान, बस ऐसी गाता हूँ सिखाते समय। फिर वो लोग उठा लेते हैं, वो लोग उठा लेते हैं। एक गाना और बहुत पुराना ही था, मतलब मुझे उसके अब स्टेंजा वगैरह बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर
चारा में रहते थे तभी सुना था, झिमिर झिमिर बरसे पानी, रविशंकर शुक्ल जी की गीत है। अच्छा, उनका लिखा है ये, रविशंकर शुक्ल। वो चंदनी गांधा का एक बंदा का गीत है, प्ले का भी गीत है वो। अच्छा अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गीत है। और जब कभी भी हमसे कोई कहता है कि गाना गाओ तो हम यही गाते हैं, टूटा फूटा। पर यही गाना मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा सा बता रहा है छत्तीसगढ़ को, उसमें एक्चुअली ध्वन्यात्मकता भी है, चित्रात्मकता भी बड़ी सुंदर है। वो पूरा हाँ, उन्होंने मतलब लगता नहीं कि रविशंकर शुक्ल जी शहर में रह के ये इसको कैसे अनुभव किए होंगे, मेरे को आश्चर्य होता है। वो उनका ज्यादा समय गांव में नहीं बीता है, वो छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ में जन्म भी नहीं लिए मेरे ख्याल से, लिए हैं तो उनको जैसे मैं पूरा जीवन मेरा, तो मैं उस उर्वाती में कैसे पानी चुचवा रहा है जैसा उन्होंने वर्णन किया है, उसको जितना अच्छे तरीके से मैं समझ सकता हूँ, वो कैसे आश्चर्य होता है। मतलब सही बोल रही है आप कि एक एक चीज को उन्होंने पकड़ा है। सही बोल रही है।